आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास स्थित स्वामी मन मंथन प्रेक्षागृह में, जहां आयोजित होने को है 7वां दीक्षांत समारोह। गढ़वाल विश्वविद्यालय जो पूरे गढ़वाल क्षेत्र के छात्र छात्राओं को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है और कई वर्षों से शिक्षा दीक्षा का यहाँ कार्य चल रहा है, आज अवसर है कि ऐसे सैकड़ों छात्र छात्राओं को, ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं को उनके दीक्षा के अंत पर यानी दीक्षांत समारोह पर सम्मानित करने का अवसर है, ऐसे मेधावियों को यहाँ अभिनंदित करने का। कार्यक्रम की खास बात है कि हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को मानद उपाधि गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रदान कर रहा है, साथ ही सैकड़ों छात्र छात्राएँ आज अपनी उपाधियाँ यहाँ प्राप्त करेंगी। और ऐसे भी बहुत से मेधावी छात्र छात्राएँ जो अपने अपने विषयों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, इन सबको सामूहिक रूप से आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का ये 7वां दीक्षांत समारोह बहुत से मायनों में बहुत खास है। जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी और मुख्य अतिथि के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं मुख्य सभागार में, जहाँ इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। कुलपति महोदया ने विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा, इट्स क्रिएशन इन 1973 द यूनिवर्सिटी हैज ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे एंड मेड रीजनेबल प्रोग्रेस द गैलेक्सी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई ऑफ दिस यूनिवर्सिटी स्टैंड्स इन टेस्टिमनी टू दिस विद द अपग्रेडेशन ऑफ दिस यूनिक यूनिवर्सिटी विद इट्स 3 डिस्टेंटली लोकेटेड कैंपसेस इनटू अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एज वेल एज इसके पश्चात अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मानद उपाधि प्रदान की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में प्रदत्त डीलिट की मानद उपाधि पर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं और इसे नतमस्तक स्वीकार करता हूं। इस अवसर पर मैं आदरणीय कुलाधिपति और आदरणीय कुलपति महोदय का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। उनके नेतृत्व में, उनके योगदान से, उनके परिश्रम से मुझे ये आशा विश्वास है कि यह यूनिवर्सिटी और अधिक प्रगति की ओर अग्रसर होगी। आज जिन छात्रों और छात्राओं को डिग्रियाँ मिल रही हैं, मैं उनको और उनके परिजनों को आपका अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। आप सबके एक सफल और मंगलमय जीवन की मैं कल्पना करता हूं। आप लोगों के जीवन का यह एक विशेष दिन है। कल तक जो आपके लिए साध्य था, अब वो साध्य नहीं, आगे की यात्रा का साधन है। आपका अगला जीवन कैसा होगा, उसकी सफलताएं और उपलब्धियों का किस प्रकार से वो क्या दिशा लेंगी, इस पर आपने जो यहाँ अर्जित किया विद्या के रूप में, अपने आस्थाओं के रूप में, अपनी वैल्यूज के रूप में, उनका एक बड़ा भारी योगदान होगा। जीवन किसी अमृतमय सरोवर का नाम नहीं है, जीवन एक अविरल धारा का नाम है।
जीवन वह समय की दूरी है जो आपके जन्म और मृत्यु के बीच होती है, और यह अगर इसको कभी क्वांटिफाई करना पड़े तो केवल समय की सीमाओं से, समय के मापदंड से इसको नापा जा सकता है, कितने सालों में, कितने महीनों में, कितने घंटों में। और क्योंकि अवरल धारा होती है तो आप जीवन को जीते नहीं हैं, आप जीवन के सालों को जीते हैं, उन दिनों को जीते हैं, उन क्षणों को जीते हैं। और यदि जीवन को सफल करना है तो हर क्षण को सफल करना पड़ेगा, हर दिन को सफल करना पड़ेगा। हर दिन का एक उद्देश्य होता है, हर साल का एक उद्देश्य होता है। जीवन ये एक अविरत चलने का नाम है, कहीं रुकने का नाम नहीं है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है चरैवेति चरैवेति, आप लोग चलते रहें और चलते चलते आपके हर कदम में आपको सफलता मिले, चलते चलते हर कदम के द्वारा आप अपने अपने देश की, अपने समाज की, मानवता का कल्याण कर सकें और अपने और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से, और आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। अतिथियों द्वारा दीक्षार्थियों को पदक एवं प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया। सीता ब्रिस्ट हॉर्टिकल्चर बिरला कैंपस श्रीनगर, स्कूल ऑफ साइंसेज प्रतिभा रोहिया एमएससी केमिस्ट्री, गर्ल्स डिग्री कॉलेज लक्सर हरिद्वार। दीक्षा खतराल फिजिक्स बीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून। प्रियंका रानी मास्टर ऑफ फार्मेसी बिरला कैंपस श्रीनगर। स्कूल ऑफ कॉमर्स आकांक्षा चौहान पीआरसी महाविद्यालय रोहल किशनपुर हरिद्वार। स्कूल ऑफ अर्थ साइंस दीपिका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी बिरला कैंपस श्रीनगर। दिव्यांशु सिंह जियोलॉजी बिरला कैंपस श्रीनगर। सुनील सिंह ज्योग्राफी बिरला कैंपस श्रीनगर। स्कूल ऑफ एजुकेशन अनीस अंजुम गाजी एजुकेशन बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून। सुधीर कुमार एमए योगा एमए योगिक साइंस बिरला कैंपस श्रीनगर। गायत्री बिस्ट एमपीएड बिरला कैंपस श्रीनगर। श्रीमती प्राची नेगी एमएड बिरला कैंपस श्रीनगर। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सामली रावत एमसीए बिरला कैंपस श्रीनगर। स्कूल ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेजेस कुमारी वैशाली ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएसडीपीसी कन्या महाविद्यालय रूपी। अनु मिश्रा मास कम्युनिकेशन डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून। कुमारी सहजादी इंग्लिश गर्ल्स डिग्री कॉलेज लक्सर। गंगा कुमारी एमए थिएटर बिरला कैंपस श्रीनगर। मुन्नी हिंदी एमए डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून। ज्योति बाला उनियाल एमए म्यूजिक महिला महाविद्यालय पीजी कॉलेज सतीकुंड कंखल हरिद्वार। रश्मि ढोवाल संस्कृत बिरला कैंपस श्रीनगर। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कुसुम पांडे एंथ्रोपोलॉजी बिरला कैंपस श्रीनगर। ओम।
मोमिन पंथ इकोनॉमिक्स बीजी गोपाल रेड्डी कैंपस प्रौढ़ी, हरदीप सिंह एमए हिस्ट्री डीएवी कॉलेज देहरादून, आकांक्षा शर्मा पॉलिटिकल साइंस डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, कुमारी कविता मास्टर ऑफ सोशल वर्क बिरला कैंपस श्रीनगर, बीजी गोपाल रेड्डी कैंपस पौड़ी नंदिता काला, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस नीति सिंह बॉटनी डॉक्टर शिवानंद नोटियाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कर्ण प्रयाग चमोली, शिवानी तोमर माइक्रोबायोलॉजी बिरला कैंपस श्रीनगर, बबीता बायोकेमिस्ट्री साइंस सूट पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंसेज देहरादून, पलकप्रीत कौर एनवायरमेंटल साइंसेज बिरला कैंपस श्रीनगर, जैनाब राव बायोटेक्नोलॉजी चिन्माया डिग्री कॉलेज रानीपुर हरिद्वार, कनिका अरोड़ा जूलॉजी बिरला कैंपस श्रीनगर, दीक्षांत समारोह में 45 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर रश्मि स्वर्ण पदक, श्रीमती सावित्री देवी स्वर्ण पदक, श्री राम प्रपन्ना चाय संस्कृति ट्रस्ट स्वर्ण पदक, डीबीएन शास्त्रीय समिति स्वर्ण पदक, श्री रश्मि ढोबाल चारों संस्कृत में लिया। कुलपति द्वारा मुख्य अतिथि कुलाधिपति एवं मानद उपाधि प्राप्त अजीत डोभाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। दीक्षांत समारोह में डॉक्टर निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में सभ्यता संस्कृति एवं संस्कारों को समाहित किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जहां नए भारत के निर्माण की बात की है, कैसा भारत? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। और उस एक भारत को बनाने की तो प्रक्रिया आपने देखी ही है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये देश एक है और उसमें हमारे एक योद्धा हमारे मंच पर बैठे हैं जिन्होंने देश को एक करने के बारे में बताया। मुझे उस पर बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा करने की जरूरत नहीं, आप सब जानते इस बात से। लेकिन उस भारत के निर्माण की जो दिशा है, जो रास्ता है, वो रास्ता मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप। मैं ये समझता हूँ कि जो अध्यात्म का जो पुंज है, शक्ति है, विवेकानंद नरेंद्र बनकर के आए थे अल्मोड़ा में और प्रसाद देवी से, जब वो बाहर जाते हैं तो दुनिया में विवेकानंद बनकर के फिर वापस आते हैं। ये है हिमालय, ये हमारी शक्ति का पुंज है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये क्षण हमारे लिए बहुत प्रेरणा के क्षण है। हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहे हैं। 33 वर्षों के बाद आने वाली नई शिक्षा नीति, जैसे आदरणीय डॉक्टर
योगेंद्र नारायण जी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आ रही है, ये शिक्षा नीति संस्कार युक्त होगी, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से युक्त होगी, अनुभवों पर आधारित होगी, भारत केंद्रित होगी, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण तो समाहित होगा लेकिन मूल्य परक जरूर होगी, उद्यमिता से युक्त कौशल से युक्त रोजगार परक प्रतिस्पर्धात्मक की पराकाष्ठा तक जाएगी, नवाचार युक्त प्रौद्योगिकी युक्त व्यावहारिक गतिशील संस्कार युक्त वैचारिक व सृजनशीलता के साथ साथ ये तमाम आयामों को अपने साथ स्थापित करते हुए हर कदम पर भारत का जो पीछे का वैभव हो वो नए अनुसंधान और विज्ञान के साथ मिलकर के सारे विश्व में नंबर एक स्थापित करने की रास्ता होगा। इसके पश्चात कुलाधिपति द्वारा अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत किया गया। यूनिवर्सिटीज हैव टू फुलफिल टू ऑब्जेक्टिव्स। वन इज दैट दे हैव टू बिकम हब्स ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन एज सजेस्टेड बाय आवर मिनिस्टर। द अदर इज टू प्रिपेयर द यूथ फॉर देयर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजंस ऑफ द कंट्री। फॉर बीइंग हब्स ऑफ नॉलेज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ओरिजिनल रिसर्च एंड द डिजायर टू गो बियॉन्ड द प्रेजेंट फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। Students and members of the faculty, we have to keep pace with the growth of new knowledge and new technology. Artificial intelligence and studies on subjects like Internet of Things should be taken up. Our board of studies should co-opt external members from the IITs, IIMs, Institute of Science, Bangalore, and those universities which have been rated number one among the central universities. State universities and private universities. I would also like the Vice Chancellor and her other faculty members to analyze why our university is not coming to number one position amongst all the central universities of India. It is no doubt a difficult task, but it is achievable. These days I am reading a book on Adi Shankaracharya, From Finite to Infinite, and I was astonished to find how he traveled from Kerala to the hills of Uttarakhand on foot to regenerate the Sanatana Dharma. It dawned on me that the greatest lesson to be learned from the story of his life is that nothing is impossible if it is pursued with diligence, honesty of purpose and hard work. I would like my university to do the same for achieving the number one position in the central universities as mentioned earlier. विश्वविद्यालय कुल सचिव ने अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त किया। On behalf of the Garhwal University, I feel privileged to convey my heartfelt and sincere thanks to all our distinguished guests on the auspices of the event. I express my gratitude and indebtedness to those who have contributed directly or indirectly for the success of the event magnificently. Last but not least, I extend my deep gratitude to the younger generation responsible for shaping the destiny of the university and nation and those who are gold medalists, PhD, Delhi MP and PG Delhi awarded for their accomplishment. अंत में कुलपति द्वारा दीक्षांत समारोह के समापन की विधिवत घोषणा की गई। मैं हेमवती नंदन भवगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के आज के दीक्षांत समारोह के समापन की विधिवत घोषणा करती हूँ। मुझे ये गोल्ड मेडल जो मिला है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर जब मुझे पता चला कि मैं टॉपर हूँ मेरे दोनों टिहरी और पौड़ी कैंपस से, तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और उससे भी ज़्यादा खुशी मेरे टीचर्स को हुई और मेरे पेरेंट्स को हुई। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, बट सबकी विशेज की वजह से ये एक्सपेक्टेड मेडल बन गया है मेरे लिए और ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट वी हेल्ड, मेनी फ्रेंड्स वर मेड, टीचर्स वर अमेजिंग, एवरीवन वाज़ वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी। दैट्स ऑल That's the only reason this was possible for anyone or me. So I'm so happy. यहाँ पर मुझे बहुत गर्व का विषय है कि आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला और मेरे लिए सौभाग्य के विषय है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने बड़े भैया सुदर्शन सिंह मढ़वाल को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हिंदी विषय से एमए करने के लिए प्रोत्साहन किया, क्योंकि वो खुद एक लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से, वो जानते हैं कि हिंदी का कितना ब्रॉड साहित्य है और हिंदी से हम अपने उत्तराखंड का
हमारे बहुत सारे कवि हैं जो उत्तराखंड से हैं, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया, और मैं चाहूँगी कि जो मेरे से छोटे या मेरे आने वाले जो भी सहपाठी और आने वाले स्टूडेंट हैं, मैं भी चाहूँगी कि उनको हिंदी के विषय के बारे में बताएं कि हिंदी हमारे जो हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और हमारी संचार का माध्यम है, और हमारी एक माध्यम भाषा है जो हम सबसे पहले प्रयोग में लाते हैं, और अपनी बोलियों को हिंदी को हम पहले माध्यम की भाषा बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि मैं एमए हिंदी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। धन्यवाद। मैंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो मास्टर ऑफ सोशल वर्क के फील्ड में उसमें जीता है, और अभी मेरा जो एम है तो मैं चाहती हूँ मैं सोशल वर्क की फील्ड में ही आगे रहूँ। बेसिकली मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जो महिलाओं की स्थिति है वो एकदम से, अगर हम गांव की बात करें तो गांव में बहुत पिछड़ी हुई है, तो मैं बेसिकली रूरल एरिया की जो महिलाएँ हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। मुझे आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मुझे संगीत के क्षेत्र में एमए म्यूज़िक में मुझे गोल्ड मेडल दिया गया है आज यहाँ 7वें दीक्षांत समारोह में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं संगीत के क्षेत्र में चाहूँगी कि मैं आगे एक अच्छी संगीत की शिक्षिका बनूँ और बच्चों को अच्छी संगीत की शिक्षा दे सकूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि हमें अपनी 2 साल की मेहनत का फल मिल चुका है, और खुश इसीलिए हैं कि अब हम दोस्तों से भी मिले हैं दोबारा से, और अब दुख भी इस चीज़ का होगा कि अब दोबारा हम दोस्तों से अलविदा हो जाएंगे यहाँ से। तो कोशिश यही है कि हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे, और फ्यूचर गोल्स का अगर कहा जाए तो सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं किस्मत अपने हाथ में होती, तो लिखने की कोशिश हम खुद करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले का साथ होना चाहिए हमारे साथ। मेरा आगे टीचिंग के क्षेत्र में जाने का वो गोल है, और आज का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने 2 साल की मेहनत इस डिग्री के जरिए हमको मिल रही है, और पूरा मेरा जो गोल है मेरे टीचिंग इसमें, तो मैं आगे चाहता हूँ कि मैं टीचर बनूँ, और ऐसे ही हमारे आगे भी प्रोसेस चलती रहे। मुझे आज अचीवमेंट मिला है, मुझे फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से करता है। जब मैं 9th क्लास में थी तब से मैं बैडमिंटन खेला करती थी, तो जब मैं ग्रेजुएट हुई तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हमें क्या करना है। एक तो होता है कि हम इस फील्ड में आगे जाएं, या एक होता है कि हम दूसरों को इस बारे में एजुकेट करें। तो आई थॉट कि मेरे को अपने साथ साथ दूसरों को भी एजुकेट करना है, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का फील्ड है लोगों को बहुत कम पता था, क्योंकि अब लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं इसके लिए। तो मैंने ये फील्ड इसलिए चुना ताकि मैं खुद तो अवेयर हूँ, ताकि मैं और ज़्यादा लोगों को अवेयर करा सकूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है ना जो किसी भी इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। इससे मैंने ये फील्ड चुना। मैं चाहती हूँ कि जैसे आज एक है कल बहुत सारे बच्चे निकले, उत्तराखंड से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन निकल रहे हैं, उसका कारण एक ये भी है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ग्रो कर रहा है, तो हमें उससे पता चलता है कि कैसे निकाला है, क्योंकि अब इंडिया में ओलंपिक में मेडल बहुत कम आ रहे हैं, पर हम इस फील्ड के जरिए इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, इससे मैंने ये फील्ड चूज़ किया। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो मैं वहाँ से यहाँ पे एमएससी करने के लिए आया, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पे बॉटनी में ही मिली, तो बॉटनी में मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे वन विभाग जो है बहुत अच्छा है, हरियाली है, तो उसमें मेरे को शौक़ है कि मैं उस फील्ड में आगे और जाऊँ और पीएचडी करूँ, तो इसलिए मैंने ये इसके जो है फील्ड चुना था। और जो कन्वोकेशन थी पहले तकरीबन 5 साल के बाद होती थी, तो लेकिन जब से इन्होंने हर साल करना शुरू किया है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसका, और हमें जो प्रोत्साहन मिला है आने का और डिग्री इस तरह से लेने का, वो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आपने देखा कि हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को गढ़वाल विश्वविद्यालय ने बहुत ही कुशलता के साथ निभाया। विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव के क्षण हैं जहां 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह की खास बात ये रही कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को उनके उपलब्धियों पर मानद उपाधि दी गई, वहीं सैकड़ों छात्र छात्राओं को उनकी उपाधियां दी गई। साथ ही प्रत्येक विभाग, प्रत्येक फैकल्टी के गोल्ड मेडलिस्ट को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। जाहिर है कि ऐसे छात्र छात्राओं को यह अवसर गौरव के क्षण होते हैं। आज उनकी दीक्षाकांत यानी दीक्षांत हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी तय है कि आज से ही ऐसे छात्र छात्राओं, ऐसे मेधावियों की नई पारी की शुरुआत होती है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक छात्र छात्रा की जो नई पारी आज की शुरुआत हुई है वो बहुत ही उम्मीदों से भरी हो, बहुत आशाओं से भरी हो, और हम सब उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।